सलाम वालेकुम। अच्छा अली और ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं एवरीवन, अब जो मेरा सिनेरियो है दैट इज टोटली डिफरेंट। मैं पास पेपर्स करके दिखा रहा हूँ आपको। पास पेपर कराने का मकसद ये है कि 25 एमसीक्यूज उस वक्त ईयर 1999 में आए होंगे, तो हाउ मतलब कितना टाइम आपको, 2 घंटे का टेस्ट होता है, 2 घंटे के टेस्ट में आप किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करोगे और किस तरीके से पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर आप एक जगह पे अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि हम लोग आगे एमसीक्यूज वगैरह को देखते हैं कि किस तरीके से एमसीक्यूज है। मैं पूरा पास पेपर सॉल्व करके दिखाता हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं कराए गए, लेकिन जाहिर सी बात है पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें पूरी बुक से आ जाता है। तो जब पूरी बुक से आ जाता है ना, तो फिर आपको हर चीज याद भी आ जाएगी किस तरीके से होता था। ठीक है, पहला एमसीक्यूज है, ठीक है, पहला एमसीक्यूज है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा सबसे पहले सवाल ये आता है कि किस तरीके से, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो किस तरह से इसकी सॉल्विंग होगी, क्या होगा। देखो बेटा, सबसे पहले याद रखना कि डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं। बात तो ये समझना, ए एंड बी उस वक्त डिसजॉइंट सेट अगर हो तो इसका मतलब है नथिंग इज कॉमन। जब कोई भी सेट डिसजॉइंट होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो फिर उसके बाद एक बात तो ये पता चल गई कि ये डिसजॉइंट सेट है। देन ए इंटरसेक्शन बी इज, भाई इंटरसेक्शन में हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। इंटरसेक्शन में जब कॉमन, अब इंटरसेक्शन में जब हम कॉमन निकालते हैं तो याद रखिएगा हमारे पास तो डिसजॉइंट सेट में कुछ कॉमन होता ही नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सी, दैट मींस एम्प्टी सेट और नल ब्रैकेट, मतलब इस तरह से आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना कि हमारे पास जब भी डिसजॉइंट सेट होता है तो नथिंग इज कॉमन, और ए इंटरसेक्शन बी में हम निकालते ही कॉमन। तो जाहिर सी बात है, जब दो डिसजॉइंट सेट होंगे, फॉर दो डिसजॉइंट सेट होंगे, फॉर एग्जाम्पल ए अगर आपके पास मौजूद है 1 2 3, 1 2 3, बी तुम्हारे पास मौजूद है ए बी ए बी, तो ऑब्वियस सी बात है ए इंटरसेक्शन बी तो तुम्हारे पास एम्प्टी सेट ही निकलेगा ना। ए इंटरसेक्शन बी तो एक एम्प्टी सेट ही निकलेगा ना। तो ये एग्जाम्पल की तरह से प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, ये एक एमसीक्यूज हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सेकेंड एमसीक्यूज, 1 -1 iota -iota, सही है, ये कैसे होगा बेटा। दो से तीन बातों को जरा समझ लो। सबसे पहले तो भाई, अगर आपके पास इस तरह से एक सेट, एक ग्रुप बना हुआ आ जाता है, ठीक है, उसमें ये देखना होता है कि भाई मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो पॉसिबल है। कैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पॉसिबल है, कि अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में होता यह है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में होता यह है कि अगर मैं वन इसके अंदर के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूं, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो -1 आता है। ठीक है, अगर मैं डिवीजन में ये होता है कि आयोटा को अगर माइनस आयोटा से डिवाइड कराया जाए तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा। आपने अब ये देखें, आयोटा आयोटा कट जाएगा और -1 बचेगा। तो -1 इस ग्रुप के अंदर मौजूद है, -1 इस ग्रुप के अंदर मौजूद है। तो याद रखना, ये मल्टीप्लीकेशन पे भी वो हो रहा है सेटिस्फाई, ये डिवीजन पे भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी ग्रुप के एलिमेंट्स की एडिशन कराता हूं, एडिशन कराया, 1 को प्लस किया -1 से, तो 0 आ जाएगा, 0 इस ग्रुप में नहीं मौजूद है। आयोटा को प्लस कराया माइनस आयोटा से, तो आपके पास ये भी 0 हो जाएगा। दैट मींस इसमें एडिशन नहीं हो सकती, एडिशन इज नॉट पॉसिबल, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। तो आपके पास, मैंने बताया क्या, आपके पास एक बात अभी बताई मैंने,
अभी आपको एक बात बताई कि बोथ ए एंड सी या तो ऑप्शन होगा, या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में से कोई भी एक लिख दोगे ना, वो तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, वो तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. ये बात याद रखिएगा कि एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकती. हाँ, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मैंने दोनों करके दिखा दी, दोनों पॉसिबल हो रही है. और इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड सी. इसका ऑप्शन जो है वो है बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी. डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, ए इज अ कॉम्प्लेक्स रूट. कॉम्प्लेक्स रूट है ओमेगा 14 प्लस ओमेगा 16 किसके बराबर हो जाएगा? भाई अली, सबको बता चुका हूं कि ओमेगा की वैल्यूज किस तरह से देखो. ओमेगा 14 प्लस ओमेगा 16. ठीक है, पहले तो याद तो देखो, एक दो मेथड्स हैं. दो मेथड्स के साथ ये क्या करो, ओमेगा 1 प्लस 4 कर लो प्लस ओमेगा 1 प्लस 6 कर लो. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप दूसरा करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा 5 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा 7. ब्रेक करेंगे हमेशा ओमेगा क्यूब से, तो ओमेगा क्यूब पे पावर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बचेगा प्लस ओमेगा क्यूब का पावर स्क्वायर इंटू ओमेगा बचेगा. ठीक है, इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा, जो कि इक्वल्स टू माइनस 1 होगा. माइनस 1 कौन सा है? डी ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन डी. ठीक है, लेकिन अब इसी का ऑल्टरनेटिव मेथड करें तो ओमेगा 14 है. ऑल्टरनेटिव में ओमेगा 14 है, तो आपने क्या करा, ओमेगा 14 को इस तरीके से ब्रेक कर लिया, ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर में ब्रेक कर लिया प्लस ओमेगा 16 है, ओमेगा 15 इंटू ओमेगा में ब्रेक कर लिया, ओमेगा 15 इंटू ओमेगा. अब 3 से तोड़ लो भाई, ओमेगा क्यूब पे पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब का, ओमेगा क्यूब का पे पावर 5, पावर 5 इंटू ओमेगा, और डायरेक्ट आपके अजबूत ओमेगा के ऊपर 1 करोड़ पावर, ओमेगा क्यूब के ऊपर 1 करोड़ पावर भी लगाओगे तो 1 ही रहना है उसको, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ पे भी बचा और ये माइनस 1 हो जाएगा. ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट. वन रूट ऑफ द इक्वेशन आपके सवाल जो है वो ये है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 16 इज 0 इज 4 एंड द अदर, फाइंड द अदर रूट, इज द अदर रूट आपने निकालना है. देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, आपके दो रूट्स होते हैं इक्वेशन के, मैं पहले भी बता चुका हूँ. दो रूट्स होते हैं इक्वेशन के, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा. ठीक है, अब मैं सबसे पहले अगर मैं मान लो कि अल्फा तुम्हारे पास 4 है, सही है, बीटा बीटा के ही बराबर है, सही है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वेशन के अगर हम निकाले जाएं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है सी अपॉन ए. वो क्या होता है? सी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम कहते हैं अल्फा बीटा. अल्फा बीटा किसके बराबर है? सी अपॉन ए. सही है, अल्फा किसके बराबर है? 4 के. बीटा किसके बराबर है? 4 के. बीटा बीटा के ही बराबर है. सी किधर, किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? सी बराबर हो जाएगा 16 के और ए बराबर हो जाएगा 2 के. तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड कर लोगे, बीटा की वैल्यू आ जाएगी. उसने अदर रूट निकालने का बोला था, ये अदर रूट हमने फाइंड आउट करके आ गया. अदर रूट हमारा फाइंड आउट करके आ गया, ओ सॉरी, 16 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा. 16 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, ये 8 हो जाएगा अगले स्टेप में, और बी की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी 2 निकल कर आ जाएगी. ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए. 4 बीटा इक्वल्स टू 16 अपॉन 4, आप सी अपॉन ए निकाल लो. 6 ए देख लेना, ए क्या है, ए जो है वो तुम्हारे पास नेक्स्ट, ए जो है 2 है, बी के है, ए 2 बी के सी 16. ठीक है, एक दूसरा रूट निकालना था वो निकल कर आ गया तुम्हारे पास. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये देख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इफ ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, अगर अगर ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो जाए, सही है, तो वो मैट्रिक्स कौन सा होता है? सही है,
तो उसको मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं, उस मैट अगर ए हमारा ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वापस वो ए मैट्रिक्स की तरह रिटर्न होकर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दी हुई है तुम्हारे पास भाई। ऑब्वियस सी बात है, अपॉन वाली टर्म है तो जीपी है, अपॉन वाली टर्म है तो जीपी है, तो इसमें आर, इसमें आर जो निकल कर आ जाएगा, आर निकलता है बी अपॉन ए से, तो 3.3 को माइनस 3.3 को 3.3 डिवाइडेड बाय बी अपॉन, बी क्या है ये है अपॉन ए, ए क्या है, ए जो है 1.1 अपॉन 7 है। सही है, इसको आर निकाल लो यहाँ से, आर यहाँ से माइनस 3 निकल कर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आर माइनस 3 निकल कर आ गया, तो इसका मतलब है टर्म जो है वो ओरिएंट, आर माइनस 3 निकल कर आ गया, इसका मतलब जो है मल्टीप्लाई बाय 3 करके नेक्स्ट टर्म निकलेगी, मल्टीप्लाई बाय 3 करके नेक्स्ट टर्म निकलेगी। सही है, मल्टीप्लाई बाय 3 करके नेक्स्ट टर्म निकलेगी, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 9 को, 9 को मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 करो। सही है, 9 को जब मल्टीप्लाई बाय तो माइनस 3 कर लोगे, इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, वो आपके पास निकल कर आ जाएगा -29.7 अपॉन 7। ठीक है, आपकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, नेक्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे मौजूद हो गई -29। आपने क्या करना है, आर जैसे ही निकला आपने चेक करेंगे 9.9 को, 9.9 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। सही है, ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। द एनथ टर्म, द एनथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दी हुई है तुम्हें 0, 6 और इस तरीके से। ठीक है, तो तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चेक चेक करके देखते कि एनथ टर्म क्या किस तरीके से निकलेगी। ठीक है, ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है, ए को चेक करते हैं, ए ऑप्शन है एन स्क्वेयर माइनस एन। ठीक है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है एन स्क्वायर माइनस 2n। सी ऑप्शन है एन क्यूब माइनस 2n। सी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन है एन क्यूब माइनस n। ठीक है, ये आपके ये ऑप्शंस चेक करोगे, ऑब्वियस ही बात है ऑप्शन चेक करोगे। अब देखो, पुट पुट एन इक्वल्स टू वन किया, पुट एन इक्वल्स टू वन किया तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगी आपके पास 0। ठीक है, ये आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस 1 किया तो आपके पास हो गई ये 0। ठीक है, उसके बाद दूसरी टर्म पुट एन इक्वल्स टू 2 करा, पुट एन इक्वल्स टू 2 करा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, ये 2 आ जाएगा। दैट मींस ये पहली वाली टर्म, इससे सीरीज नहीं बन रही, सीक्वेंस नहीं बन रही। आगे वाले में चेक करते हैं, जीर आपने पहली वाली टर्म में 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 1, तो इसका मतलब इससे भी नहीं बनेगी। तीसरी वाली ट्राई करो, तीसरी वाली में पुट एन इक्वल्स टू 1 करो, माइनस 2 इंटू 1 किया। ठीक है, ये भी आपके पास 1 का क्यूब 1 ही रहता है, 1 का क्यूब क्या कहते हैं 1 ही रहता है, तो 1 माइनस 2 करा, ये भी माइनस 1, दैट मींस इसकी पहली टर्म निकल ही नहीं रही है। वो देखो 0 लिखी हुई है ना पहली टर्म, वो तो है ही नहीं आ रही, इसे पहली वाली में आ रही थी तो हमने तभी दूसरे पे चेक कर लिया, पहली वाली में 0 आ रही थी तभी हमने दूसरे पे चेक कर लिया कि शायद दूसरी वाली 6 आ जाए, लेकिन इसमें तुम्हारे पास करके जाहिर सी बात है जब तीन ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो चौथा ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाई होगा। तो डी आपका राइट ऑप्शन है, मैं करके दिखा देता हूँ भाई। 1 का क्यूब माइनस 1 किया वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0,
टू का क्यूब जो होता है 8 माइनस 2 किया वो 6 होता है, ऑब्वियस ही बात है सेकंड टर्म भी निकल कर आई, तो थर्ड एंड 3 रखोगे तो आगे भी निकल कर आ जाएगी, इस तरीके से सीक्वेंस बन जाएगी। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगर एक तुम्हारे पास n टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज एक जो है ना भाई प्लस की जो सीरीज होती है एडिशन करके जो आती है सीरीज, तो वो है n स्क्वायर माइनस 3n, देन इट्स 6 टर्म। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जब 6 टर्म की बात होगी, 6 टर्म की बात होगी तो आप इस तरह से करेंगे कि t6 इक्वल्स टू s6 माइनस s5 करेंगे। अब s6 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, s6 क्या करेंगे जो सीरीज दी हुई है, तो सीरीज में क्या करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 3 इनटू 6, तो s6 यहां से निकल जाएगा 36 माइनस 18, तो s6 यहां से तुम्हारे पास निकल कर आया वो 18 निकल कर आया। s5 करोगे, s5 करोगे तो वो 25 माइनस 15 निकलेगा, तो वो s5 तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा 10। आपने फॉर्मूले में लिखा, ये बेसिक नीड थी हमारी, तो t6 इक्वल्स टू आपके s6 माइनस s5 18 माइनस 10, वो t6 तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगी। t6 तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, वो 18 माइनस 10 8 होता ना, 8 निकल कर आ जाएगी। दैट मींस के हमारा जो ऑप्शन बी है इज राइट, ऑप्शन बी जो है वो राइट है। सही है, आगे बढ़ते हैं। द अर्थमैटिक मीन बिटवीन 15 एंड 7, भाई साहब जानते हैं अर्थमैटिक मीन ए जो है वो, ए जो है 15 है, बी जो है 7 है। अर्थमैटिक मीन ए एम, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन टू, दैट मीन्स 15 प्लस 7 अपॉन टू, ठीक है वो हो जाएगा 22 अपॉन टू, दैट मीन्स 11 आंसर हो जाएगा। 11 देख लेना भाई कौन सा है, तो 15 अर्थमैटिक मीन क्या हो जाएगा, 15 और 7 के बीच का वो आपके पास हो जाएगा 13, 11 और 9 आपके पास, ठीक है। ऑप्शन सी, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा थ्री अर्थमैटिक मीन है तो इसको और दोबारा कर देता हूँ, थ्री अर्थमैटिक मीन निकाल लें। तो सबसे पहले इसका एक और आसान हल है वो मैं बता देता हूँ, थ्री अर्थमैटिक मीन्स बिटवीन 15 एंड 7, हाँ सही। तो ए जो है 15 है, बी जो है वो 7 है, सही है। आपने डी निकाला जो कि आप कैसे होगा, बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1, ठीक है। तो डी यहाँ पे निकल जाएगा 15 माइनस 7 कितना होता है 8, और n प्लस 1 3 है ना 4, तो d आपके पास निकल जाएगा 2। तो a1 का फॉर्मूला, 3 अर्थमैटिक मींस का फॉर्मूला होगा a प्लस d, ठीक है। a2 का फॉर्मूला होगा a प्लस 2d, ठीक है। इसी तरह a3 का फॉर्मूला होगा a प्लस 3d, ठीक है। ये फॉर्मूले में रखते जाओ, a1 भी निकल जाएगा, a2 भी निकल जाएगा और A3 भी निकल जाएगा। A1 निकल कर आएगा 13, सही है। B1 निकल कर आएगा आपके, A2 निकल कर आएगा 11, A3 तुम्हारे पास निकल कर आएगा 9, ठीक है। सेव कर देते हैं। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ, देखो यार ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ रहे थे, देखो इनको कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी वाला, या एक फार्मूला ये होता है कि आप इसको यूं करके लिख लें, 3 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, और ये हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री आयोटा। ठीक है, आप क्या करेंगे, टू और टू को मल्टीप्लाई किया माइनस फोर हो जाएगा, टू को टू से मल्टीप्लाई किया माइनस फोर हो जाएगा, टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स आयोटा हो जाएगा, थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स आयोटा हो जाएगा, थ्री को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया तो माइनस नाइन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सही है, माइनस फोर माइनस ट्वेल्व आयोटा और माइनस नाइन इंटू माइनस वन। ठीक है, तो माइनस माइनस फोर माइनस नाइन, माइनस फोर प्लस नाइन जो हो जाएगा माइनस फोर प्लस नाइन माइनस ट्वेल्व आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइव माइनस ट्वेल्व आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो फाइव कॉमा माइनस ट्वेल्व होगा, और इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी की है, मैं प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट चांसेस। देखो बेटा, हमारे पास जब भी प्रोबेबिलिटी का सवाल आता है, प्रोबेबिलिटी ये ऐसा चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है तो ये बताते नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहले एक बात याद रखो कि हमारे पास दो, अगर उसने कहा कि अ कॉइन इज ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, सही है, एक कॉइन था जिसको दो दफा टॉस किया गया। एक कॉइन बनाता हूं मैं, कुछ कॉइन इस तरह का होता है, ठीक है, उसमें या तो ये फ्रंट फेस पे हेड लिखा होगा और बैक फेस पे लिखा होगा टेल। अली समझना इसको, फ्रंट फेस पे हेड लिखा होगा, बैक फेस पे टेल लिखा होगा, ये एक ही कॉइन कंसिडर करो, सही है। तो उसने कहा कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, चलो भाई, अगर तुमने एक कॉइन है, सबसे पहला अगर एक कॉइन है तुम्हारे पास, उसको दो दफा जो है टॉस किया गया, एक सीधे हाथ से टॉस कर लो, एक दूसरा हाथ से टॉस कर लो, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनकर आएगी, हो सकता है तुम्हारे पास हेड और हेड बराबर आ जाए, कभी हो सकता है तुम्हारे पास हेड्स और हेड्स भी आ जाए, कभी हो सकता है तुम्हारे पास टेल और टेल भी आ जाए, कभी हो सकता है तुम्हारे पास हेड टेल आ जाए, और कभी हो सकता है टेल हेड आ जाए। समझे, क्या प्रोबेबिलिटी बनी कि आपके पास कभी हो सकता है तुम्हारे पास हेड हेड आ जाए, कभी हो सकता है टेल टेल आ जाए, कभी हो सकता है तुम्हारे पास हेड टेल आ जाए। प्रोबेबिलिटी, चांस, चांस हो सकता है भाई। और चौथा जो है वो हो जाए टेल हेड। उसने कहा कि यार ऐसा बताओ कि एटलीस्ट जो है ना, एटलीस्ट ऐसा सिलसिला हो कि हमारे पास तीन, एटलीस्ट तीन हेड होना चाहिए। तो तीन हेड क्या है, अब तीन हेड में आपको बताता चलो, तो तीन हेड हो जाएंगे, सॉरी तीन हेड क्या हो जाएंगे, वो आपके पास इस तरह से हो जाएंगे, हेड और हेड, हेड टेल और टेल हेड, ये तीन हेड हो गए। और टोटल कितनी दफा टॉइस होगा, वो चार दफा होगा, और टोटल कितने हेड आए हैं वहां पे, थ्री, इसका आंसर आ जाएगा थ्री अपॉन फोर, इसका आंसर आ जाएगा थ्री। बात इसकी, इसकी और इसकी हो रही है, इन तीनों की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि भाई अगर तुम्हारे पास जिसकी, अगर टेल होता, टेल में भी तीन दफा आती वो फिर हो जाता टेल टेल हो जाता, टेल हेड हो जाता और हेड टेल होता, तो थ्री अपॉन फोर इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, थ्री अपॉन फोर इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, ये पूरा समझाऊंगा मैं आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। In the expansion of x minus 1 upon x is equal to 10, the term independent of x is the r and find the term r. अब term independent of x कैसे होगी बेटा, अली तुम्हें मैंने बता चुका हूँ कि अगर r निकालना हो तो r का तरीकेकार बताया था,
आर का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, उस दिन लिखवाया भी था। एन तुम्हारे पास क्या है, टेन, टेन अपॉन टू क्या हो जाएगा, फाइव, सही है। अब हमारे पास बेसिक नीड क्या होती है, टी आर प्लस वन की, तो आर क्या निकला, आर प्लस आर क्या निकला है, टी फाइव प्लस वन, दैट इज क्या हो जाएगा, टी सिक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिक्स ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आपने इस तरह से कर लेना, आर इक्वल टू एन अपॉन टू, एन अपॉन टू किया, वरना आर निकालो प्रॉपर तरीके से, जो आर निकालने की ट्रिक बताई थी आर वैसे निकाल लो, तो मैं जो आर बताया था उसमें प्लस वन कर दो, आपके पास इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट में क्या होता है, एक्सपी पावर जीरो होती है, तुम्हें पता है, तो ये मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक से कर दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स, अच्छा ये भी प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से निकला हुआ है चैप्टर। अब देखो बेटा, सबसे पहले एक बात याद रखो, तुम्हारे पास वर्ड क्या है, तुम्हारे पास वर्ड है टेबल। उसने कहा कि भाई टेबल आपके पास लव्स है, उसमें कितने लव्स सॉल्व हो सकते हैं, आपने तीन वर्ड को अगर उठा लें, शुरू के तीन वर्ड को उठा लें, कोई भी तीन वर्ड्स उठा लें, आप यहां से उठा लें या तो, या यहां से उठा लें, सही है, आपके ऊपर है। अब ऑब्वियस सी बात है, टोटल वर्ड्स कितने थे, पांच थे, उसमें से तीन उठाने। अब अगर मैं टी उठा लूंगा कितने बचेंगे, चार बचेंगे, तो पहले वाले के पास पांच बचते हैं, दूसरे वाले के बाद अगर दूसरा वर्ड उठाऊंगा तो चार बचेंगे, तीसरा उठा लूंगा तो सिर्फ तीन बचेंगे। तो 120 तरीकों से, 120 दिमाग लगाना पड़ता है इस चैप्टर में, 120 तरीकों से डिफरेंट वर्ड बनाया जा सकते हैं। अब देखो आपके पास टैब है, अगर तीन लफ्ज उठाए टैब, सही है, तो उसको बैट भी, एक वर्ड टैब हो गया, एक वर्ड हो गया बैट, एक वर्ड हो गया, कुछ भी हम कर सकते हैं, आपके पास 120 वर्ड जैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में होता है। नेक्स्ट, अच्छा इस वाले सवाल के अंदर क्या है, द इक्वेशन 2x² + 3y² - 4x = 0। बेटा दो, एक तो सबसे पहले ये याद रखना कि ये ए और सी ऑप्शन नहीं होगा, एक बात तो ये, उसके बाद दूसरा, ये सर्कल और इलिप्स के दरमियान मुकाबला है, ये सर्कल और इलिप्स के दरमियान मुकाबला है, सही है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास यहां पर कोफिशियंट सेम है, नहीं कोफिशियंट सेम नहीं है, एक टू है एक थ्री है। अगर कोफिशियंट सेम नहीं होते, अगर कोफिशियंट सेम नहीं होते तो इक्वेशन होती है इलिप्स की, इक्वेशन होती है इलिप्स की। अगर कोफिशियंट सेम हो, अगर कोफिशियंट विल बी सेम, इलिप्स इसका डी ऑप्शन राइट होगा, इलिप्स इसका ऑप्शन डी राइट होगा। अगर कोफिशियंट सेम हो विल बी सेम, then equation will be of circle, then equation will be of circle। ये बात याद रख लेना, equation किसको represent कर रहेगी, ये अगर coefficient same हो तो याद रखना, अगर coefficient same हो तो circle होंगे, अगर coefficient difference होंगे तो ellipse के होंगे, ठीक है। next, the length of the rectum of a parabola। अच्छा ये भी थोड़ी सी बात डिस्क्राइब करनी है, ये बताऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन सबसे पहले इसका क्या है, इसका मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ भाई। अगर पैराबोला की जो इक्वेशन होती है ना, वो इस तरीके से होती है, y² = 4x, ये इक्वेशन होती है, ठीक है, 4a हमें निकालना होता है, ये 4a, तो 4a
इक्वल्स टू, अब जरा इसको इक्वेशन को देखो, y स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू जीरो है, इक्वल्स टू जीरो है, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12x हो जाएगा, तो ये 4a यहाँ मिलेगा हमें, तो 4a इक्वल्स टू 12 किया तुमने माइनस 4a इक्वल्स टू 12 कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव 12 आंसर आएगा, क्यों, मॉड लग गया, अगर मॉड नहीं लगा होता तो ये होता है 4a इक्वल्स टू 12 माइनस 12 होता, मॉड लगाने के बाद वैल्यूज हो जाती हैं पॉजिटिव, तो ये हो जाता 4a इक्वल्स टू 12। इसका लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम 4a को इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, इसको लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, अच्छा हम लोगों का कुछ रह गया है, एक हाँ ये वाला एमसीक्यूज नहीं हुआ ना, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 325, देन एन इक्वल्स टू, देखो सम, अब ये बात बताता चलूं, सम को कहते हैं सिग्मा, तो सिग्मा एन तुम्हारे पास जो है वो 325 है, अगर नेचुरल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे तो सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, नेचुरल नंबर्स को हम लोगों को पता होना चाहिए, सिग्मा एन तुम्हारे पास दिया हुआ है 325, सिग्मा एन दिया हुआ है 325, आपने इसको किया एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू, ठीक है, आपने यहाँ से टू को क्रॉस किया, टू को क्रॉस किया तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 700 इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेना जो पॉजिटिव होगी, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लीजिएगा जो पॉजिटिव होगी, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 650 हो जाएगा, सॉरी मैं इसको सही कर देता हूँ, 650 तो इसको लिख देता हूँ, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेना तो मैं आ जाएगा आंसर, एन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर लिया, अब ये नहीं किया, तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस भाई याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस किस तरीके से निकलता है, अली तुम पहले ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर कर चुके हो, सही है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर कर चुके हो, वो ये होता है कि आपके पास ax1 डिस्टेंस इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, ठीक है, आपने डिस्टेंस वो किया, डिस्टेंस इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू a x1 की वैल्यू, x1 y1 तुम्हारे पास क्या है, x1 कॉमा y1 वो तुम्हारे पास है 1 3 कॉमा माइनस 2, ठीक है, x1 कॉमा y1, ठीक है, तो a की जगह x1 की वैल्यू 3 लग दी प्लस b की वैल्यू आपने क्या करा, b तुम्हारे पास जो है 4 है, ठीक है, और माइनस 2 प्लस सी जो है वो 10 है और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
अब द लिमिट E3x टेंड्स टू जीरो इज, तो भाई ये सेकंड ईयर के अंदर कराया भी था, लिमिट x टेंड्स टू जीरो E3x माइनस, नीचे माइनस वन अपॉन x. तो याद रखना ये 3x के बराबर सब चीज़ें होना चाहिए. तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर दिया तुमने, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो e 3x माइनस वन और डिवाइड बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, तीनों आपके ऐसे हो गया. अब ये पूरी वैल्यू बराबर होती है 1 के अप्लाई लिमिट करने के बाद. अप्लाई लिमिट किया तुमने, ये पूरी वैल्यू हो गई 1 के बराबर और ये मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आंसर हो जाएगा 3. ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3. ठीक है, सेव कर देते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई टू एक्स प्लस वन एट एक्स इक्वल्स टू वन. सही है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है बेटा. सही है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए अब देखो ई पे पावर टू एक्स प्लस वन, तो उसका फॉर्मूला जो होता है जब ई पे पावर एफ एक्स दिया हुआ, तो ई एफ एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये तो मैं हमेशा बता चुका हूँ. ठीक है, तो e पे पावर 2x प्लस 1 किया तुमने, सही है, और d ओवर dx ऑफ 2x प्लस 1, ये पहला डेरिवेटिव हो जाएगा. ये पहले डेरिवेटिव को y डैश कहते हैं. ठीक है, तो y डैश इक्वल्स टू तुम्हारे पास पहला डेरिवेटिव जो निकल कर आया वो 2 इंटू ई टू एक्स प्लस 1 ही निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकल कर आएगा 2. अब इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव निकलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को y डबल डैश कहते हैं और वो यही होगा, 2 लिखा e 2x plus 1 किया और वापस d over dx of 2x plus 1 कर दिया, 2x plus 1. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. तो y डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव इसी तरह से निकल जाएगा, 2 into e 2x plus 1. सही है, और यहाँ पे आ गया 2, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, y डबल डैश ये हो जाएगा 4 e 2x plus 1. उसने एक दी हुई एट एक्स इक्वल्स टू वन, एट एक्स इक्वल्स टू वन भी देख लो, तो आपके पास ये हो जाएगा x की जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें, 4 e 2 इंटू 3, तो सॉरी 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 1. ठीक है, y डबल डैश इक्वल्स टू 4 e क्यूब, इसका ऑप्शन आ जाएगा 4 e क्यूब इसका निकल कर आ जाएगा आंसर. ठीक है, आगे करते हैं. द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ sec square x. देखो भाई sec fx जो होता है ना, सबसे पहले याद रखना द सेकेंड द डेरिवेटिव ऑफ sec square x. ठीक है, आप ये याद रखिएगा, आपने जब भी डेरिवेटिव निकाला sec x का, तो ये हो जाएगा sec x square tangent x. sec x का डेरिवेटिव जो होता है ना, sec x का डेरिवेटिव वो होता है sec x into tangent x. sec x का डेरिवेटिव मैं बता चुका हूँ पहले, लिस्ट लिखवा चुका हूँ, अपने सेकंड ईयर वगैरह के नोट्स में भी देख लीजिएगा, प्लस इस नोट्स में भी देख लीजिएगा. और लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है एक फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ होना चाहिए, जब अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ हो. जब फंक्शन नहीं हो तो आप नहीं लीजिए डेरिवेटिव. तो f डैश इक्वल्स टू sec x स्क्वायर tangent x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. तो यहाँ पे अब देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास, 2x sec x स्क्वायर tangent x स्क्वायर. ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी मुझे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर मुझे सी नजर आ रहा है. ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं.
अली ये 1999 का है पूरा अपने पास, फिर उतार लेना भाई ये पूरा अपने पास उतार लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए। अब मैं 2000 पे आऊंगा, 2000 का भी एक एक बैग में करके दिखाऊंगा। हम ड्यूरेशन भी देखेंगे कि हमारे पास कितना टाइम लग रहा है क्लास को, कितना टाइम में मैंने सॉल्व किया समझा के, तो तुम्हें कितनी जल्दी में करना होगा सही है एक पेपर को सॉल्व। तो ये प्लीज मेक श्योर कि अपनी तैयारी को इसी हिसाब से रखो कि किस तरीके से तुम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। डेरिवेटिव डेरिवेटिव जो है वो ना आगे निकल गया, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है वो तो ये बात ही रहे जिस हिसाब से कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू। तो आपके पास डेरिवेटिव को वाई डैश से बोला जाता है या डीवाई ओवर डीएक्स बोला जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स लिखा, ठीक है आपने इधर आगे कर वाई डैश इक्वल्स टू पार्शियली ब्रेक कर लो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है वाई डैश इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। इसका डेरिवेटिव लेना शुरू करते हैं y डैश इक्वल्स टू x, ठीक है और ये हो जाएगा x पे पावर माइनस वन। इसका डेरिवेटिव y डैश इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव होता है वन प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे वो होगा n n x n माइनस वन, ठीक है। तो y डैश इक्वल्स टू वो हो जाएगा वन माइनस ऑफ x माइनस टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू माइनस टू को इस तरह लिख देंगे वन माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऑप्शन कोई नजर आ रहा हो, यहाँ ऑप्शन कोई नजर आ रहा हो वन माइनस ऑफ वन, ये रहा ऑप्शन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फॉर द कर्व y इक्वल्स टू टू एक्स, अब देखो बेटा ये मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालना हो, ये मेहरान यूनिवर्सिटी का भी मैं टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा था तो उसमें भी ये सवाल आया हुआ था, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले y इक्वल्स टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर किया, इसका डेरिवेटिव लिया फर्स्ट डेरिवेटिव, तो y डैश आपके पास क्या हो गया टू एक्स का डेरिवेटिव होता है वन माइनस टू एक्स, तो y डैश आपके पास क्या निकल कर आ गया 2 माइनस ऑफ 2x। इसका दोबारा डेरिवेटिव लो, इसका दोबारा डेरिवेटिव लो, सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 और x का डेरिवेटिव 1, तो y डबल डैश तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगा माइनस 2, सही। जब माइनस 2 निकल कर आ जाए और ये लेस देन 0 हो तो दैट मींस वैल्यू इज मैक्सिमम, अगर लेस देन 0 आ जाए तो वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है वैल्यू मैक्सिमम होती है याद रखना, सही है वैल्यू मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट, अंडर द एरिया अंडर द कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स फ्रॉम एक्स, अब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है ना, अब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है तो तुम क्या कर सकते हो इसको अली, तुम क्या कर सकते हो बॉयज, इसको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है तो ये वाई इक्वल्स टू x पे पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है x y इक्वल्स टू x पे पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करोगे, इस बड़ा आसान सवाल है, आपने एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला याद रखना है। एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला जो होता है वो एरिया एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a इक्वल्स टू b a y dx, ठीक है ये एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला होता है। आप इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले a इक्वल्स टू y इक्वल्स टू किसके बराबर है x पे पावर 1 अपॉन 2 के, 1 अपॉन 2 के, b जो होता है अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट कहते हैं हम लोग जो बड़ी लिमिट होगी वो 4 होगी, अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट क्या है 1, ठीक है कुछ नहीं करना डेफिनेट इंटीग्रल की तरह आगे वो कर दो। तो आगे यहां सॉल्व कर रहा हूं इस बॉक्स में, तो a इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपने
इस तरह से यूं रखा, ये हो जाएगा x पे पावर 3 अपॉन 2, और यही पावर नीचे आ गई और आगे लिख दिया 4 और 0, ठीक है। a इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 अपॉन 3x, ठीक है, और उसके ऊपर पावर 3 अपॉन 2, और बाहर से क्लोज हो जाएगा 1 है, पावर 0 लिख रहा था, 1 है, ये 1 है, मैं लिख मिटा के सही कर देता हूँ। ये जो है ये मेरे पास 1 के बराबर है। अब इनडेफिनिट इंटीग्रल का बेटा आप जानते हो आपने क्या करना है, तो वो आप इसको बस कुछ नहीं करो, 2 अपॉन 3 लिखो, x की जगह आ जाएगा 4 पे पावर 3 अपॉन 2, कैलकुलेटर चला लेना, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी तुमने क्या लिखा, 2 अपॉन 3 लिखा, x की जगह तुम्हारे पास आ जाएगा 1 और उसके ऊपर पावर आ जाएगी 3 अपॉन 2, इसको मजीद सॉल्व कर लेना, 2 अपॉन 3 कॉमन आ गया, सही है, और ये हो जाएगा 4 पे पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1 पे पावर, कितनी भी आ जाए वो 1 ही रहता है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर ले आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ई कॉस एक्स, भाई देखें आप इसमें सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं, जो 6.3 आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर पढ़कर आए ना वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 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 जब आपके पास, यहां देखो, जब आपके पास ई पे पावर कॉस एक्स है और कॉस एक्स का पीछे या आगे उसका इसका डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव तो मौजूद है लेकिन डेरिवेटिव के साथ, जैसे कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सही है, और माइनस नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसको सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीप्लाई दोनों साइड बाय ना, हम यूं कर देंगे, यहाँ पे भी साइन लगा देंगे, यहाँ पे भी साइन एक्स लगा देंगे और ई पे पावर कॉस एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो याद रखना, अगर तुम्हारे पास एक बात, अगर ई की पावर का ई के बराबर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ई की पावर का अगर उसके बराबर में डेरिवेटिव मौजूद हो, दैट फॉर एग्जाम्पल कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर उसके बराबर में मौजूद हो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर उसके बराबर में मौजूद हो तो वही उसका आंसर बन जाता है, दैट मींस ई कॉस एक्स प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखो, अगर कॉस एक्स के बराबर में, अगर जो उसके ऊपर ई के ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद हो तो वही आपका आंसर बनकर आ जाता है, दैट मींस ई कॉस एक्स प्लस सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मेरे पास बी मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये मैंने बता दिया, वरना आप लेट यू इक्वल्स टू करके कर सकते हो, लेट यू इक्वल्स करके कर सकते हो आप, वो भी तरीका सही है, वो तरीका भी सही है, ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज है, ठीक है, लास्ट एमसीक्यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। द इंटीग्रल ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4 वेयर fx + c वेयर fx इज, देखिए लास्ट एमसीक्यू है, अब 9x स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रल निकालना है तो किस तरीके से निकाला जाए बेटा। देखो दो तरीके का रहे, आपने क्या किया कि अगर मैंने इसको 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर पढ़ दिया और ये हो गया 2 का होल स्क्वायर, अली ये 6.2 है, 6.2 एक्सरसाइज है, ये जो भी बच्चा यहाँ पे क्लास ले रहा है उसको बता रहा हूँ, 6.2 एक्सरसाइज है ये। 6.2 में ये होता था कि भाई देखो, अगर आपने क्या करा, ऊपर इस ये dx आता है, अगर हम उसका ऊपर डेरिवेटिव ले लें, 3x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव, सिर्फ 3x का, सॉरी स्क्वायर का नहीं, 3x का डेरिवेटिव ऊपर लें 3, और यहाँ इसको उस डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दे, तो यहाँ बाहर हो जाएगा डिवाइड और ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो वो होता ये है, जब कभी आपके पास इस तरह की कंडीशन बन जाती है तो इसमें फॉर्मूला इस तरह से लग जाता है, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अपॉन a, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a, सही, 1 अपॉन 3 तो रखा, ठीक है, 1 अपॉन a, a क्या है आपके पास 3 के बराबर, ठीक है, तो
इसका ऑप्शंस देख लेता हूँ मैं। हाँ, 1/a, a² + x² ठीक है। a जो है 1/2 है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x किसके बराबर है 3x, ठीक है, और ये a के बराबर है 20+, और ये प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है, आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर लें। आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 1/6 टेंजेंट इनवर्स, एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा, 3x/2, ये आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने क्या कहते हैं, पूरा पास्ट पेपर सॉल्व कर दिया मैंने, सही है। आगे 2000 का और उसके आगे फर्दर सॉल्व करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।